दिस इज द लास्ट वीडियो इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर और मैं रेडी हूँ अभी नहा धो के निकलने के लिए दादरा एंड नगर हवेली। हाँ, यहाँ से 76 किलोमीटर जाना है सिर्फ, तो फटाफट से निकलते हैं और सामान पैक करते हैं। सबसे पहले पैकिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हो रहे हैं 10:48 और मेरे को 11:30 बजे तक यहाँ से चेकआउट करना है। दिस आई एम ईशान, वेलकम टू माय लाइव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई बी फिल्म्स। आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है ये वन यूनियन टेरिटरी कंप्लीट हो चुकी है, 3 स्टेट्स हो चुकी हैं और आज फोर्थ है सेकेंड यूनियन टेरिटरी जो आज हम कवर करेंगे, जो कि दादरा नगर हवेली। देखो क्या कर रखी है मैंने, सारी चीज़ें अब समेटनी है यार, सब कुछ फैला हुआ है, सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं, बैग पैक हो गए हैं दोनों और इधर ये सब कुछ पैकिंग हो गई है। सब कुछ मैंने दोबारा से सही करा है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी मैले कपड़े थे उनको अलग करा है, सारा सामान मैंने इधर उधर सारी चीज़ें अच्छे से रख दी हैं अब, और पूरे 11:30 हो गया, अराउंड 1.5 घंटा मेरे को लग गया, बस मैं यहाँ से निकलने को तैयार हूँ। अब नीचे मिलते हैं बाइक पे GoPro में। यहाँ से 76 किलोमीटर है और 1 hour and 58 minutes। यहाँ से जब मैं राइड जा रहा था तो जम्पोरे बीच आती है और अभी दादरा एंड नगर हवेली के लिए लेफ्ट जाना है और धूप अभी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अराउंड 30 के अराउंड है, बट हवा यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी है तो थोड़ा सा सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं हो रही, पर वैसे अगर कहीं पर रुकता हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फाइनली सिलवासा रिंग रोड आ गया है, ठीक 1 घंटे बाद। लिटरली अमेजिंग मैन। एक और रिवर आ गई है, नीचे बच्चे नहा रहे हैं और काफ़ी हद तक सूखी हुई है बट पानी बहुत ज़्यादा साफ है। ये दादरा एंड नगर हवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू दादरा एंड नगर हवेली सेकंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द राइड। पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ये पहाड़ तो नहीं है, पहाड़ियाँ ज़रूर कह सकते हैं। देखो कितनी बड़ी लेक है, किसी समुंदर से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी है, ये तो मेरे को उदयपुर से भी बड़ी लग रही है। यहाँ पे एक तो ये होटल है वन विहार, आगे लेक है पूरी और वहीं पे बता रहे कि वहीं पे एक और होटल है। यहाँ पे है सारी गुजरात की गाड़ियाँ, पार्किंग, टॉयलेट और सामने है लेक। फेरी भी चल रही है, जैसे फेरी में लेके जाते हैं बाइक वगैरह को बोट के ऊपर, कार्गो बोट जैसे बोलते हैं। कैं ये तो यहीं पे आ रही है पानी में से बाहर। अपने पंख साफ करते हुए आ गया। लंच में स्टीम राइस है, मसाला चिकन है, बाकी अभी मेरा सिर फट रहा है बहुत तेज, 2:20 हो रहे हैं और मैं लेक पे ही हूँ, यहाँ की दुदानी लेक पे। एक बार अभी लंच कर लेता हूँ, उसके बाद पूरा सिनेरियो बताता हूँ कि क्या प्लान है और क्या सोचा है। सब कुछ बिगड़ गया है आज का सब कुछ। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो चुकी है और यहाँ के होटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब कि 3,500 रुपये का, और ऐसे कोई उसके अंदर उसकी कोई वर्थ नहीं है, मतलब 3,500 की। तो अभी 2:45 हो रहे हैं और अभी का प्लान ये है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, या तो सिलवासा रुकूँगा जो कि यहाँ से 37 किलोमीटर है। सॉरी, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, बहुत गर्मी,
बहुत तेज धूप है, और या मैं रुकूंगा मुंबई, और मुंबई अगर गया तो रात हो जाएगी। सो लेट्स सी कहाँ तक आज का सफ़र हो पाता है, वहीं पे चलते हैं। और पीछे यहाँ पे बोटिंग वोटिंग हो रही है, सारी बोट्स वगैरह का चल रहा है, और यहाँ का बस यही एक लेक है, ज़्यादा और कुछ नहीं है, और यहाँ पे बोटिंग होती है। आई डोंट नो, बट अभी मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन से हो रही है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और नहीं तो मैं रुकता यहाँ पे, अगर शाम के टाइम आता या सुबह के टाइम हो सकता है मैं रुकता, बट अभी मेरा बिल्कुल भी अंदर से हिम्मत नहीं हो रही कि मैं यहाँ पे रुक सकूँ थोड़ी देर भी। अभी 3:45 हो रहे हैं, और अभी का प्लान ये है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, या तो सिलवासा रुकूँगा जो कि यहाँ से 37 किलोमीटर है, सॉरी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, बहुत गर्मी, बहुत तेज धूप है, और या मैं रुकूँगा मुंबई, और मुंबई अगर गया तो रात हो जाएगी। सो लेट्स सी कहाँ तक आज का सफ़र हो पाता है, वहीं पे चलते हैं। और पीछे यहाँ पे बोटिंग वोटिंग हो रही है, सारी बोट्स वगैरह का चल रहा है, और यहाँ का बस यही एक लेक है, ज़्यादा और कुछ नहीं है, और यहाँ पे बोटिंग होती है। आई डोंट नो, बट अभी मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन से हो रही है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और नहीं तो मैं रुकता यहाँ पे, अगर शाम के टाइम आता या सुबह के टाइम हो सकता है मैं रुकता, बट अभी मेरा बिल्कुल भी अंदर से हिम्मत नहीं हो रही कि मैं यहाँ पे रुक सकूँ थोड़ी देर भी। वैसे तो मैं बहुत अच्छे मूड से आया था यहाँ पे आज एक्सप्लोर करने, बट आज सही में मूड ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, गर्मी ने ना जान ले ली यार। बाइक खड़ी करने की पार्किंग की भी जगह नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे बाइक भी लगा के आपको एक्सप्लोर कराता। इधर भी कुछ होटल्स हैं शायद, ये फेरी वहाँ पे आपको बाइक वाइक लेके जाएगी, सो कभी भी आओ तो इधर आ सकते हो। बट सॉरी मैं आज ये कवर नहीं कर रहा, लेक बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में, बहुत काफ़ी बड़ी लेक है, तो कभी एक्सप्लोर करनी हो तो यहाँ पर आ सकते हो। अब तो यार हदी हो गई, पता नहीं गूगल मैप कहाँ पर ले आया है, और यहाँ पर और कोई भी नहीं है। 3:55 हो गए हैं, और अब सारे जंगल के रास्ते ख़त्म हुए, और मेरे को हाईवे दिखा है बड़ी देर बाद। महाराष्ट्र चेक पोस्ट अहेड। महाराष्ट्र में सारी पहाड़ियाँ हैं जो कि हमारी दिल्ली में नहीं है। ठीक है, ये रिवर आ गई है मुंबई से पहले, ठाणे है यहाँ से 18 और नासिक 169। यहाँ से पुणे है लेफ्ट, नवी मुंबई लेफ्ट, और दादर सीधा। मेरे को नवी मुंबई जाना है जो कि यहाँ से लेफ्ट है। कितना सुंदर लग रहा है सनसेट होने वाला उस बिल्डिंग के पीछे। अभी यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि इस फ्लाईओवर पे मेरे को पता नहीं था यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, तो इसीलिए अभी नीचे जा रहा हूँ मैं। सारी टैक्सी का कलर आपको ब्लैक और येलो मिलेगा। मुंबई थोड़ा सा ना जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसा ही है यार, कोई तारकोल वारकोल नहीं, लोहे का रोड बना रखा है मुंबई में। वो ऊपर BSE का ऑफिस है, स्टॉक मार्केट, BSE सनसेक्स। सामने वाली मरीन ड्राइव है, सामने इसके आगे पूरा सी है, पूरा मेरे ख्याल से सामने सी है या बीच है, ये बीच है। हाँ, अभी 10:30 हो रहे हैं, और मेरे को मुंबई आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। मैं वीडियो एडिट कर रहा था, फिर वीडियो अपलोड कर रहा था, और अभी थोड़ा सा फ्री हुआ, अभी खाना भी नहीं खाया, और अभी डिनर करूँगा। अभी मैं आया हूँ चौपाटी बीच पे, और यहाँ पे मरीन ड्राइव। सो यहाँ पे पहले कुछ देखते हैं आसपास खाने का सारी चीज़ें, और वैसे यहाँ के मशीन सारा यहाँ पे फूड कोर्ट टाइप है। रात के टाइम बीच की और वेव्स के मज़े, मज़ा आ रहा ठंडा ठंडा पानी। कल मेरा पूरा का पूरा दिन ऐसे हो गया कि मैं दादरा से जब वापस आया तो बहुत ही ऐसे हेक्टिक हो गया, सारा कवर करना, वहाँ से वापस आना, फिर मुंबई आना। सोचा मैंने ये था कि मैं 76 किलोमीटर की राइड होगी, बट 300 किलोमीटर की हो गई, तो यार बिल्कुल ही अनप्लान्ड राइड थी, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। फिर यहाँ पे आना हो गया, सारी चीज़ें मैनेज, मैंने आके होटल ले लिया। अभी मैं मुंबई में ही हूँ, कल से व्लॉग्स आपको मुंबई को देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन डू हिट द लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू द सब्सक्राइब बटन, और कोई भी थॉट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज, बाय बाय।